देखिए, हम लोग बहुत सुने, बहुत वक्ताओं ने अपने अपने बातों को रखा। पेरियार साहब का जयंती के बारे में लगभग लोग जानते हैं, ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानते हैं। लेकिन कहने का मतलब है कि पेरियार साहब हो, अंबेडकर साहब हो, कुशवाहा प्रसाद साहब हो, या ललित सिंह यादव हो, या हमारे समाज में, बहुजन समाज में जन्मे जितने भी महापुरुष पैदा किए, उन्होंने जिस काम को किया, उन्होंने जिस काम को हमें कहा, क्या हम लोगों ने उस काम को किया? सवाल यहां खड़ा है, जयंतियां मनाना आसान है, क्यों नहीं हम उस काम को कर पाए? क्या डिमेरिट है? डिमेरिट कुछ लोगों में होते हैं, जो लोग संपन्न उनमें क्या डिमेरिट है? तो कहीं ना कहीं एक एक हर एक प्रांत में एक एक लोग लड़े। साउथ से पेरियार साहब हैं, तो इस क्षेत्र से अंबेडकर साहब है, उस क्षेत्र से और भी महापुरुष है, तमाम लोग लड़े, जबकि उनके पास उस समय कुछ था भी नहीं। आज तो हमारे पास बहुत कुछ है, फिर भी हम कहाँ हैं? हम फेल्यूर हैं, पूरे पूरे हम फेल्यूर हैं। और फेल्यूर इसलिए हैं क्योंकि हमने अपने महापुरुषों के नक्शे कदम पर चलने का काम नहीं किया। थोड़ा दूर चलता हूं फिर पीछे हटता हूं। मेरा एक व्यक्तिगत सोच है, या व्यक्तिगत एक मानसिकता जो हम मुझे महापुरुषों को पढ़ने के बाद, महापुरुषों को सुनने के, बहुत सारे वक्ताओं को सुनने के बाद पता चला है, जो हमको समझ में आता है कि हम अम्बेडकरवादी हैं, अम्बेडकरवादी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि अम्बेडकरिज्म इज नथिंग विथाउट बुद्धिज्म। ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं, अम्बेडकरिज्म कुछ भी नहीं है विथाउट बुद्धिज्म। और अगर ऐसा रहता तो बाबा साहब बास प्रतिज्ञा देकर के हमें नहीं लगता है कि बुद्धिज्म की ओर बाबा साहब जाते नहीं आते, लेकिन हम लोग फॉलो नहीं कर पाए। हम तो अम्बेडकरवादी हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भाई धर्म तो मेरा यही है, रहेंगे तो मनुवाद के पैर के पास, कर्मकांड करेंगे मनुवाद के पैर के पास, तो हमारा अम्बेडकरवाद कहाँ रहा? रहा क्या? नहीं रहा। तो ये है मेन मकसद, प्योर अम्बेडकरवादी हमें बनना है तो हमें बुद्धिज्म की ओर जाना ही पड़ेगा, हमें पाखंड को छोड़ना पड़ेगा। आज अभी आप देख रहे हैं जिस बात को हमारे महापुरुषों ने सालों साल पहले कहा, अब जब नए नए अभी हमारे कमल जी बोले कि जो अभी जब लोग कह रहे हैं कि इस देश में जितने भी मठ कहिए, मंदिर कहिए, सारे बुद्धिज्म का है, तो बवाल मच रहा है। रियल में है, हमारे पास एक सबूत, आप लोग रामेश्वर धाम का नाम सुने होंगे, रामेश्वरम धाम है सब कुछ, लेकिन एक दिन हम मोबाइल में जब देख रहे थे तो क्लिप आता है मंदिरों का बहुत सारा, तो उस क्लिप को हमने स्क्रीनशॉट करके रखा। आज वहां पे जिस देवी देव का भी पूजा होता हो वो तो समझ में नहीं आता, लेकिन सही ना सही कहीं ना कहीं सच्चाई छुप जाता है। उस मंदिर का ऊपर में आप देखिएगा, हम अभी रखे आप लोगों को दिखाएंगे, प्योर बुद्ध है। हम पूछते हैं जब आपका सारा सर्वो अगर आपके देवी देवता का भाई, तो आसमान में बुद्ध का मूर्ति कहाँ से आ गया? तो मंदिर का ऊपर में बुद्ध का मूर्ति कहाँ से आया? तो ये कहीं ना कहीं हमें लगता है कि हमारा जो धरोहर रहा उनको ध्वस्त किया गया, और इन लोग अपने अस्तर से उस पर हावी होकर के अपना चला रहे हैं। अभी साथी कहे कि अब हिंदू परिवार होने लगा तो ये लोग सनातन लेके आ गया, सनातन भी खोज के देख लीजिए, कहूँ वहां पर ग्रंथों में नहीं मिलेगा। तो सारा सर यही है कि अब हमें मनुवाद का जब तक त्याग नहीं हम करेंगे, हमें आगे बढ़ने में हर जगह रोड़ा मिलेगा। इसलिए पहला मकसद है मनुवाद का त्याग। मनुवाद त्याग करने के लिए हम डंडा लेके किसी को त्याग करने के लिए नहीं करेंगे, खुद से त्याग। अभी बहुत सारे वक्ताओं ने कहा खुद से त्याग, परिवार से त्याग, ये करना होगा। युद्ध आपको घर से ही शुरू करना होगा। अगर हम कहीं चौपाल लगाते हैं, आप खुद उस पर परिपूर्ण नहीं रहिएगा तो आपका चौपाल कोई काम का नहीं है। तो चौपाल लगाना ही पड़ेगा, नहीं अगर चौपाल करते हैं, गांव टू गांव हम लोग नहीं जाते हैं, जन जन तक इस विचार को नहीं पहुंचाते हैं जो बहुजन मिशन का विचार है, इस विचार को अगर हम नहीं पहुंचाते हैं तो हमको लगता है आने वाला समय हम लोगों के लिए बहुत बड़ा संकट वाली टाइम है। तो बहुत ज्यादा बात नहीं कहना चाहेंगे, बहुत साथीगण है, इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपने बातों को विराम देता हूं।